विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा भोली भाली जनता और विभाग को हजारों रुपए के बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को उठानी पड़ती है, लेकिन ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं करता। गुरुवार को वैशाली नगर आरपीएससी कॉलोनी में हाई वोल्टेज आ जाने के चलते घरों में रखे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक आइटम फूंक गए। लोगों के चार्जिंग पर लगे मोबाइल भी धुआं देने लगे। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि बुधवार को आरपीएससी कॉलोनी में बंसीलाल धोबी की गली में विद्युत कर्मी काम करके गए, इसके बाद डबल फेस आ जाने से घरों में पंखे, फ्रिज, पानी की मोटर, टीवी आदि उपकरण फूंक गए, जिससे कॉलोनी में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। क्षेत्रवासियों ने विभाग पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ते हुए मुआवजे की मांग की है। लाइट जली है, मुखिया सुमान जी है, पड़ोस में हमारे सुल्तान जी है, इन सब का हमारे दोनों घरों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होया। आप लोग चेक कर रहे हैं, आप लोगों को देखो ये वजह क्या है, क्यों ये हमारी रात भर से हम फोन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। बोलते हैं कि हमने सही कर दी, चालू करो, उसके बाद हमने चालू करने के बाद भी हमारा नुकसान हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन है? इलाका आरपीएससी कॉलोनी रातीडांग वार्ड नंबर 60। हम ये चाहते हैं हमारे जो लाइट को करो, जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करे और लाइट को सही किया जाए। मोटर जल गई, कूलर जल गया और पंखे, मोबाइल वोबाइल सब जल गया। नीचे बीसी सिंह रावत के एसी जल गया और काफी नुकसान हुआ सर। सर ये डबल फेस के कारण जल गया। मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ सर, मैंने सुबह चेक किया, दोनों में इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से फेस आ रहे थे दोनों। ये पावर हाउस वाले की लापरवाही है, उन्होंने उल्टे तार जोड़ दिए, लाइनें खींची थी जो उल्टे तार जोड़ दिए, उसके कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ। डबल फेस के कारण 440 हो गई, 440 हो गई डबल फेस के कारण। हम तो ये चाहते हैं सर, हमारा ये जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना चाहते हैं।